हेलो दोस्त, मैं नागविनी कुमार, सिग्नल इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर कोई डाउट हो उसके रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। जो वर्क होता है, मतलब SNT वर्क होता है, उसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया डिजाइन होता है, दूसरा हो गया फिर इंस्टॉलेशंस, फिर होता है मेंटेनेंस होता है। तो हम आज सबका बारी बारी से चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना, डिजाइन डिजाइन में क्या है, डिजाइन SNT में क्या है। फर्स्ट है इनपुट डिजाइन। इनपुट डिजाइन में क्या होता है, इसमें ड्राफ्ट स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद आउटलाइन स्कोप होता है, फिर टाइम स्केल होता है, ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट होता है, इंजीनियरिंग इनपुट्स होता है, शॉर्ट में उसको ESP बोलते हैं। फिर दूसरा है डिटेल डिजाइन। डिटेल्स डिजाइन में होता है स्टैंडर्ड्स, टाइम स्केल्स, सिस्टम सेफ्टी एश्योरेंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, प्रोविजनल डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एंड कंपोटेंट रिसोर्सेस। उसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट इंटरफेसेस में, उसमें पावर सप्लाई स्कीम, उसके बाद लेवल क्रॉसिंग ग्राउंड प्लान्स, स्कीम प्लान ऑफ सिग्नलिंग एसेट। उसके बाद है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, उसमें है द स्कोप ऑफ रिकॉर्ड टू बी कोरिलेटेड। उसके बाद मॉडल बेस्ड डिजाइन, फिर है इंडिपेंडेंट वैलिडेशंस, सर्टिफिकेशंस ऑफ स्पेसिफिक वेरिफिकेशंस। फिर उसके बाद है डाटा शीट। डाटा शीट में है सेफ्टी डाटा शीट SDS, फिर है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट MSDS, प्रोडक्ट सेफ्टी डाटा शीट SSDS। फिर उसके बाद अपना आता है स्पेसिफिकेशंस आते हैं, उसमें ऑल सिग्नलिंग एसेट RDSO एंड IRS। उसके बाद स्पीड, फिर है IECC, फिर है इलेक्ट्रिकल कंपेटिबिलिटी, फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी। ये हो गया अपना डिजाइन में हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन में जैसे हम काम शुरू करते हैं साइट पे, तो उसमें कंस्ट्रक्शन SNT में आता है। पहला क्या है, टाई अप विथ ऑल मेजर EO OEM प्रो प्री बिड एंड पोस्ट बिड सपोर्ट, तो मतलब स्टार्टिंग का पार्ट है। फिर है रिले एंड सिग्नल्स, फिर है पावर सप्लाई यूनिट एंड सर्ज प्रोटेक्शन सिस्टम, केबल्स, केबल्स में है इंडोर एंड आउटडोर। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड जेली फिल्टर्ड केबल्स, फिर है HMI, फिर रिले रैक एंड CTR, फिर है ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम, मीन्स उसमें एक्सल काउंटर एंड ट्रैक सर्किट्स। उसके बाद पॉइंट मशीन्स, फिर है डाटा लॉगर्स, उसके बाद है बैटरी बैंक, फिर अदर एक्जिलरी आइटम्स, फिर बूम बैरियर, उसके बाद टेलीकॉम्स, टेलीकॉम एक्सचेंज सर्वर, मल्टीप्लेक्सर, FDMS, PA सिस्टम। PA मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है, जहाँ से मतलब बोलते हैं और अनाउंस स्टेशन मास्टर अनाउंस करता है, या फिर मतलब वो किसी फील्ड के लिए कर सकता है। उसके बाद फिर है VHF कम्युनिकेशंस, फिर है IPDSLM। उसके बाद फिर आता है अपना इंस्टॉलेशंस। इंस्टॉलेशंस में क्या होता है, उसमें मतलब साइट पे काम शुरू, उसमें है कि केबल ट्रेंचिंग एंड लेइंग, आउटडोर इंस्टॉलेशंस, आउटडोर मीन्स आउटडोर जो इक्विपमेंट्स है बेस साइट। उसके बाद इंडोर इंस्टॉलेशंस, इंडोर में होते हैं इक्विपमेंट इंस्टॉल, जैसे अलग अलग सब कंपनियों की होती है और अलग अलग तकनीकी होता है। उसके बाद है टर्मिनेशंस। टर्मिनेशंस मीन्स बाहर में भी होता है और अंदर में भी होता है। फिर पावर सप्लाई सिस्टम, पावर सप्लाई मीन्स हम IPA सिस्टम उसको हम देते हैं। फिर ऑन बोर्ड यूनिट इंस्टॉलेशंस मीन्स ऑन बोर्ड, फिर उसके बाद हो गया बेस साइड रेडियो इंस्टॉलेशंस, बैलिस इंस्टॉलेशंस, ट्रैक सर्किट, OFC ट्रांसमिशन सिस्टम, STM इंस्टॉलेशंस, PDMUX इंस्टॉलेशंस, एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉलेशंस। ये अपना इंस्टॉलेशंस हो गया। उसके बाद जब हम इंस्टॉल कर देंगे तो फिर अपना टेस्टिंग शुरू होगा। तो टेस्टिंग में होता है केबल टेस्टिंग, केबल टेस्टिंग में होता है मेगरिंग होता है, फिर होता है IPS टेस्टिंग। IPS मीन्स इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, उसमें IPS टेस्टिंग में हम
मतलब हम कनेक्शंस पावर सप्लाई का टेस्ट करते हैं, सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद है ट्रेन डिटेक्शन सिस्टम, उसके अंदर FTC, TC, एक्सल काउंटर्स वो आता है। फिर है VOVC टेस्टिंग, फिर है सिमुलेशन टेस्टिंग ऑफ ऑल इंडोर एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स, मीन सिमुलेशन टेस्टिंग करते हैं। सिमुलेशन टेस्टिंग करें तो जब हम फाइनल टेस्टिंग करते हैं उसके पहले हम एक अपने सिमुलेट कर लेते हैं, अपने आप में एक टेस्ट कर लेते हैं, तब हम ट्रायल टेस्ट हो गया, उसके बाद हम फाइनल मीन्स करते हैं। फिर है MACL पैनल वीडियो टेस्टिंग, वो हो गया जैसे AI सिस्टम लगा है या PI लगा है या RRI लगा है, SI लगा है, जो लगा है उसका स्टेशन मास्टर में जो होते हैं सिस्टम लगा हुआ उसको, मतलब उसके अंदर सारे रूट होते हैं, सारा वहाँ पे एक डायग्राम बना होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं। फिर है वायरलेस मीन्स, फिर है मल्टीप्लेक्सर, उसको भी टेस्ट करते हैं। फिर OFC ट्रांसमिशन सिस्टम, उसका भी टेस्टिंग होता है। फिर साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड परफॉर्मेंस गारंटी टेस्ट मीन्स साइट वो होता है। उसके बाद फिर कमीशनिंग होता है, कमीशनिंग में का पार्ट आ गया सिस्टम ऑडिट विथ इंटरफेस, मीन्स सिस्टम को हम ऑडिट करते हैं, इंटरफेस मीन्स और हमारे जो साथ के जो होते हैं जैसे उनको सबको हम लूप में लेके सबके साथ, क्योंकि हमारा सिस्टम चालू करना रहता है तो सबको करते हैं मशीनिंग में। फिर इंटीग्रेशंस ऑफ सिग्नलिंग एलिमेंट विद ड्राइवर सिस्टम, उसके बाद वेरिफिकेशंस ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को हम वेरीफाई करते हैं। फिर ट्रेन टेस्टिंग, सेफ्टी सर्टिफिकेशंस में सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हम उसको भी कंसिडर करते हैं उसमें। फिर है एस्टिटरी क्लियरेंस, फिर है रिव्यू ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशंस के लिए फिर हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं कंसल्टिंग मीन्स, जब हमारा काम होता है सिग्नलिंग का SNT का, तो उसमें एक तो कॉन्ट्रेक्टर्स होती है जो कंपनियां काम करती हैं, फिर अपना क्लाइंट होता है, जैसे मान लिया कि रेलवे का काम चला था रेलवे हुआ, और DFCC का काम चला DFCC हुआ, मेट्रो का काम चला था मेट्रो हुआ, मोनोरेल का काम चला, फिर इस तरह करके वो क्लाइंट होते हैं, और एक कॉन्ट्रेक्टर होती है जो कंपनियां करती है मतलब वर्क को मतलब करता है, और एक होता है कंसल्टेंट होते हैं मीन्स उसको बीच में होती है PMC और इसके बीच में, वो अपने एक फर्म होता है वही, उनको मतलब उनकी भी कुछ वर्क होता है जो हम उनके हम वर्क के बारे में उसमें उसका क्या है वो है फिजिबिलिटी स्टडी, उसमें टेक्नोकमेरिकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं वो लोग, एनालिसिस ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वो भी वो करते हैं। फिर उसके बाद है DPR बनाते हैं वो लोग, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें है कि सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी या स्कीम्स। फिर है शेड्यूल एंड कॉस्टिंग मॉडल, रिकमेंडेशंस ऑन बिड फ्लोटिंग, उसके बाद उनका भी काम है डिजाइन से रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ डिटेल डिजाइंस, गेटिंग कस्टमर थर्ड पार्टी अप्रूवल फॉर स्कीम एंड डिटेल डिजाइन, सिलेक्शन ऑफ स्कीम एंड इक्विपमेंट वाया स्टैंडर्ड्स। फिर BOQ स्पेसिफिकेशंस, उसमें उनका होता है द सेक्टर ऑफ स्टैंडर्ड RDSO RU, वो चेक करते हैं, क्लियर ब्रेकअप क्वांटिटीज, फिर मटेरियल प्लानिंग करते हैं, वेंडर्स विथ ब्रांड वैल्यू वो भी सजेस्ट करना पड़ता है एंड सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद है टेंडरिंग, टेंडरिंग में होती है सपोर्टिव ऑफ ऑल प्लान डॉक्यूमेंट्स नीड्स, क्या क्या कागज लगेगा वो होता है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ टेक्निकल SCC, एडवाइजरी BOQ एंड कॉस्टिंग रिव्यू मीन्स उसमें होता है। फिर होता है PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उनका है डिजाइन रिव्यू एंड अप्रूवल, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल्स, अप्रूवल ऑफ क्रिटिकल INC डॉक्यूमेंटेशंस, वर्क सुपरविजन एंड अप्रूवल ऑफ बिल्स, रैम्प्स, रैम्प्स एक होता है उसमें होता है रैम्प्स स्टैंडर्ड 2EN50126 /50129 डॉक्यूमेंटेशंस, मीन्स रैम्प्स का एक स्टैंडर्ड है वाला, इसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, रैम्प्स एप्रिसिएशन कोर्स फॉर सिग्नलिंग डिजाइनर्स। फिर है क्वालिटी एंड रैम्प्स ऑडिट्स, और ऑर्गेनाइज मेंटेनेंस का ट्रेनिंग कोर्स, रैम्स है जो क्वालिटी से रिलेटेड है। फिर ऑपरेशनल मैनुअल होता है, उसमें मेथड स्टेटमेंट होता है, ऑपरेशन से मेंटेनेंस मैनुअल प्रोसीजमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उनको मैच करना पड़ता है, या फिर जो स्टैंडर्ड है उनसे मैच करना पड़ता है। फिर ए होने के बाद फिर हमारा है एक नेक्स्ट है ONM ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ONM में होता है जब पूरा सिस्टम चालू हो जाता है मीन्स कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो गया, उसके बाद जैसे उनको, क्योंकि जब हम सिस्टम को बना देते हैं तो उसके बाद उनको लॉन्ग टाइम चलाना होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। मेंटेनेंस में हमारा आ गया मेंटेनेंस ऑफ रिले रूम
एंड इट्स इक्विपमेंट। उसमें क्या है कि रिले रूम के अंदर जो होते हैं उन इक्विपमेंट्स को मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशंस कम इंडिकेशंस पैनल को करना पड़ता है मेंटेनेंस। उसके बाद होता है मेंटेनेंस ऑफ सिग्नलिंग केबल, जो केबल्स लेइंग करते हैं उसका भी मेंटेनेंस करना पड़ता है समय समय पे, जैसे कहीं कट गया उसको सही करना है, फिर उनको जैसे कोई नया का दूसरा काम चल रहा है उसे सेफ करना है, या और कुछ मतलब वो केबल को भी करना है क्योंकि केबल के थ्रू ही सारा फंक्शन होता है। अगर केबल कट गया तो रुक सकता है फंक्शन। फिर मेंटेनेंस ऑफ लोकेशन बॉक्स, लोकेशन बॉक्स जो हम इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, गियर्स होते हैं और कुछ टर्मिनेशन जो चीज़ें होती है उनको मेंटेन करना पड़ता है। फिर सिग्नल्स, जो सिग्नल इंस्टॉल करते हैं उसको भी मेंटेन करते हैं, जैसे उसके कुछ ख़राब हो गए या फिर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उनकी कुछ शेड्यूल होता है। फिर पॉइंट मशीन, जो पॉइंट मशीन होता है और ट्रैक चेंज उसका भी हमें करना पड़ता है समय समय पे, मतलब उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस करना पड़ता है, ग्रीस देना पड़ता है या फिर कुछ कंपोनेंट पुराने हो जाते हैं उनको चेंज करना पड़ता है, कभी कभी ख़राबी हो जाती है उनको सही करना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर, वो गेट हो गया उसको भी करना पड़ता है क्योंकि जो ट्रैफिक वहाँ पे मूवमेंट होता रहता है तो कुछ भी ख़राब हो सकता है। फिर उसके बाद है ट्रैक सर्किट, मीन्स जो ट्रैक सर्किट लगा रहता है उनको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिर उसके बाद है एक्सल काउंटर, एक्सल काउंटर का भी मेंटेनेंस करते हैं, कुछ शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, कभी चेंजिंग होती है। फिर रिले हैं, जो रिले लगा रहता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच रिले, उसको मतलब भी मीन्स मेंटेनेंस करना पड़ता है, अगर ख़राब हो गया तो रिप्लेस करना पड़ता है, मीन्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के पार्ट में। फिर है IPS, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई, उसमें भी है मतलब मॉनिटरिंग करना, चेकिंग करना पड़ता है, टेस्टिंग करना पड़ता है प्रॉपर चल रहा है या नहीं। फिर उसके बाद अगर कोई दिक्कत उनको ख़राब करना या सही करना पड़ता है। फिर बैटरी बैंक, मीन्स बैटरी का जो सेट होता है उनको भी, क्योंकि बैटरी बैंक मतलब रहना बहुत ज़रूरी है अगर पावर बैकअप होता है पावर। फिर है EISSI, उसका भी मतलब जो होता है पीरियोडिक फ्यूज चेकिंग करते हैं, डाटा बैकअप करते हैं, ये सब मतलब उनमें मतलब AI को हम करते रहते हैं क्योंकि AI अलग अलग कंपनियों के इंस्टॉल होते हैं और उनके एक्सपर्ट भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों आज हम बात किए हैं रेलवे सिग्नलिंग से रिलेटेड, पहला सिग्नलिंग डिजाइन, उसके बाद हम बात किए हैं कंस्ट्रक्शंस, मीन सबसे पहले डिजाइन में क्या क्या मतलब, जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो पहले डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन काम, फिर मेंटेनेंस और PMC, ये तीनों चारों का रोल हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों मित्रों हम आज का हमारा टॉपिक यही है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सिग्नल इंजीनियर्स चैनल, और अगर कोई कमेंट्स हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें और हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के बीच फैलाइए और हमारी मदद कीजिए, और हम सिग्नल इंजीनियर चैनल के माध्यम से रेलवे सिग्नलिंग से रिलेटेड और मेट्रो से रिलेटेड चीज़ें मैं आप लोगों के बीच फैला रहा हूँ। सो थैंक यू।